हेलो वेलकम फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने धन्यवाद दिया है। इन्होंने लिखा है कि सर, मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अगर कभी मौका मिला तो आपसे मिलने जरूर आऊँगा। थैंक यू, आप जरूर आइएगा। और इन्होंने पूछा है, कहा है कि जॉब अगर हो, अभी कह रही इन्होंने कम्प्लीट किया, जॉब अगर कोई हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा। एक चीज जान लीजिए, एक और व्यूअर है हमारे जिन्होंने ये सवाल पूछा है, और सवाल उनका है कि सर, एक यूनिक आईडी के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू का सम कैसे लाएं। यूनिक आईडी के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू का सम लाना बहुत आसान है। देखिए, अगर कोई यूनिक आईडी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, यहाँ पर टेबल पे चलते हैं, उसे डिजाइन ले लेते हैं। तो पहले हम उसे डिजाइन भी ले लीजिए। आपके टेबल बना रहा है, आप चाहे तो उसका नाम बदल भी सकते हैं। ठीक है, मैं इसका नाम यूनिक आईडी रख देता हूँ। आपने यूनिक पूछा है तो ये यूनिक आईडी रख देता हूँ, तो ये यूनिक आईडी कर दिया हूँ। ठीक है, यूनिक आईडी करने के बाद यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे यूनिक आईडी आएगी क्योंकि ये प्राइमरी की है ना, प्राइमरी की तो समझ में आती है, बहुत सारे वीडियो पहले ही बना चुका, तो प्राइमरी की तो समझ में आती होगी। तो ये प्राइमरी की यूनिक आईडी है। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ आई आर एस की फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ एस सी ओ एन डी सेकेंड। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड टी एच आई आर डी थर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्थ एफ ओ यू आर टी एच। ठीक है, जितने फिर चाहिए उतने आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज हो गई ना, यहाँ पर चार वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पर क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, जैसे नंबर हम रख लेते हैं तो ये नंबर रख लेंगे। ठीक है, ये नंबर कर लीजिए, यहाँ पर भी नंबर कर लीजिए। ठीक है, ये भी नंबर कर लीजिए, तो ये हो गया। और यहाँ पे आप टोटल करना है, तो ये टोटल टी ओ टी ए एल कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आइएगा तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलेगा। तो 2016 यूज कर रहा हूँ, यहाँ कैलकुलेटेड मिल जाता है। तो यहाँ पे पहले लिखिएगा एफ आर आर एस की फर्स्ट हो गया, प्लस का निशान लगाइए, फिर यहाँ लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट में सेकेंड एस सी सी ओ एन डी सेकेंड हो गया, प्लस का निशान लगाइए, फिर यहाँ लिखिए टी एच आई आर डी थर्ड, फिर इसी तरीके से फोर्थ, और आगे भी वो डेटा आपके पास तो फिफ्थ सिक्स सेवन एट ऐसे आप करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ लिख दिया है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ व्यू पे करेंगे। जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। आईडी को यूनिक है ना, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज है और एक सब भी आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर नंबर मैं देता हूँ, मैं 66 दे दिया, पर कुछ और दे देता हूँ, लाइक 56 दे देता हूँ, यहाँ पर 23 दे देता हूँ, यहाँ पर 45 दे देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, आईडी तो यूनिक है ना, आईडी यूनिक है, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज का हम सम लेके आ गए। ठीक है, फिर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे यहाँ पर कर देते हैं 79, यहाँ पे 45, यहाँ पे 67। और देखिए, आईडी तो यूनिक है ना, आईडी तो यूनिक है लेकिन मल्टीपल वैल्यूज का सम होके आ रहा है। तो बस ऐसे ही कर सकते हैं आप। और अगर कुछ और पूछना चाहते हो तो फिर मुझे बताइए। वैसे तो हमें लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।